little note card. Next, Abhinav, Abhinav. Mera naam Abhinav Kumar hai. Same bhai. Abhinav. एक कार खरीदना हो तो फिर हाँ काइंडली 10-15% का डिस्काउंट है। अच्छा सुप्रो नेक्स्ट प्रवीण कुमार 96-2001 बैच प्रदीप आश्रम मैं आईबीएम में काम चंदो सब लोग एक ही कैमरा है। अच्छा वही नीचे रखो ना नीचे रखो ना कुर्सी पे। अरे ठीक है ना चल बोलो। मेरा नाम शिवेंदु है 2002 बैच और मैं भी एबी मौरी में असिस्टेंट मैनेजर हूँ बेकरी इंग्रेडिएंट्स की कंपनी। बताओ मतलब लोगों को क्या फायदा होगा टाइम खाना बनाने का काम। शशि जी कौन है? शशि जी वहाँ है। अरे अरे कंपनी में अल्कोहल रिसर्च सेंटर का हेड है। और किन्नी के घर अगर कुक नहीं आए तो सुरेंद्र के यहाँ खाना बनाने जा सकता है। आवाज़ बंद कर दिया दीपक जी। पहले आता दीपक जी नेक्स्ट टाइम आप लोग पगार देना बंद कर दिए। नहीं वो एक लाजवाब कुक है एक्चुअली उसका हॉबी है खाना बनाना। हाँ आज का भी उसी का है ऑलवेज। मेरा नाम दीपक मैं 86-90 हेदरहाट में और अभी बैंगलोर में मैं एक अपनी कंपनी चला रहा हूँ क्रिएशन सॉफ्टवेयर दो ना उस हिसाब से दो तीन। दीपक जी शादी की शादी चले लेकिन अब मुझे मुझे शंदु एक फोटो ले लो उसका भी एक तो ले लो सुबह से लेके शाम किसी का भी एक तुम्हारी आवाज आती रहेगी इसमें तुम्हारी आवाज आती रामकृष्ण आश्रम में दीपक जी से एक साल जूनियर था और अभी मैनेजर एसोसिएट अवनीश बोले क्या नाम बोले अवनीश प्रभा जी आप आए थे एक बार हम लॉस एंजलिस में थे उस वक्त आप राइट तो तुम्हारे घर में रहते हाँ हम लोग इधर अरे वाह हम लोग भी लंदन में मिले थे। मैं अतुल कुमार मैं बोस में था 88-92 और यहाँ पे मैं अभी घर पे बैठा रहता हूँ और अपने घर पे पार्टी देने वाले हैं 24 को जिसको जिसको आना है सुबह से आ सकता है मेरे यहाँ। प्रदीप जी 3 बॉटल लेके आ रहे हैं। कुक नहीं शेफ नहीं है तुम्हें पूरा मेल चल रहा था मैंने कुछ नहीं पता था आपको मेल जा रहा है नहीं जा रहा था प्रदीप जी फॉरवर्ड किए हैं। अच्छा उसके पहले मेरे पास मेल नहीं आया था। नहीं ये गलत बात अभी चेक करेंगे। हाँ बोलने दीजिए सारे लोग बोलने वाले। मेरा नाम विकास सिंह 1997-2001 कपिल आश्रम और अभी मैं बॉस कंपनी में आरपी होल्डर बॉस क्या बोरंग के पास सॉफ्टवेयर है। विकास कुमार 97-2001 सेम बैच। हाँ सेम बैच सेम बैच हम लोग विकास सेम बैच दोनों सेम बैच के हम लोग और रामकृष्ण आश्रम के हैं और यहाँ जॉबनाउ नाम की एक स्टार्टअप कंपनी में मैं इंजीनियरिंग हेड करता हूँ। मेरा नाम प्रभात रंजन है और मैं 97 इंट्री बैच था फिर 1976 में आईसी फर्स्ट ईयर करके निकल गया था खड़गपुर चला गया और अभी मैं टाइफा की कोऑर्डिनेशन है ऑटोनोमस बॉडी डिपार्टमेंट साइंस टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी थिंक टैंक इंडिया का उसको आई एम ए चीफ डायरेक्टर और टाइफा के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं एक्चुअली इंडिया का विजन 2020 वही बना था और एग्जैक्टली कल दिन था 2 अगस्त 18 साल पहले उसको रिलीज किया गया था डॉक्टर कलाम चेयरमैन हुआ करते उस टाइम। अब हम लोग इंडिया के विजन 2035 रिलीज करने वाले हैं मेबी नेक्स्ट 1 मंथ। ये कलाम साहब ने चालू किया हुआ है चालू
कलाम साहब नहीं किया था, लेकिन 10 साल तक वो रहे तो शिवेंदु काफी में जब ज्वाइन किया जिस दिन अपॉइंटमेंट मांगा उसी दिन मैं संजीव कुमार 73 से 80 तक था मैं और मैं भाभा हाउस में था और अभी कर्नाटक कैडर में हूँ प्रेजेंटली प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग बहुत बार आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है बट इतने शॉर्ट नोटिस पे होता है कि इट्स रियली प्रोबेबली वी मस्ट थिंक एंड प्लान इट एट लीस्ट 2 weeks इन एडवांस तो 3 weeks 24 अगस्त सब लोग आ सकते हैं बिकॉज जितना मिले उतना अच्छा है '74-81 बैच प्रदीप नाम है मेरा और मैं IBM में कार्यरत हूँ और मैं नौसेना से सेवानिवृत्त हूँ '95 बैच शांति आश्रम 5 साल की मैं यहाँ पे जेट बैट में काम करता और मेरा कोई ना कोई अंग में बैठा क्या रियल रीजन पता नहीं किससे मार खाते विवाहित है नहीं बैंगलोर के पीजी सब में सिक्योरिटी टाइट हो रहा है अंशुमान 92-94 बैच गौतम आश्रम और मैं अभी टेक महिंद्रा में कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से उसके पहले मैं ये वाला अच्छा था मेरा नाम शशि प्रकाश मिश्रा शांति आश्रम 93-97 तक अभी मैं एलजी सॉफ्ट में कार्य कर रहा हूँ तुमसे बात तो होती नहीं थी और चैट वगैरह ईमेल सब होता है इंडिया में तो आज जिसे लंदन में मिला था हमारा हो गया अच्छा मेरा बच्चा विकास रंजन 98-2002 पिछले 3-4 साल से यहीं बैंगलोर में साढ़े 3 साल से वो प्रोटीन और कुछ बताओ रमन आश्रम फिर से सारे लोग बच्चे ही हैं थैंक यू मैं प्रकाश मैं से नहीं लेकिन मैं बैंगलोर में हूँ पिछले 15 साल से आई वर्क फॉर सेफ्टी एज ए प्रोग्राम डायरेक्टर सेफ्टी प्रिया हूँ बेसिकली एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हम चाहते हैं कि उसके बारे में थोड़ा एक सिवन दूर आपके बारे में दो मिनट बता दें अपने घर में गिफ्ट देना है सही बात एक और स्कैंडल और नहीं तो 5 साथी वाला हाल होगा सबको एक एक सामान खरीदना है अपने घर के लिए जराटो से जराटो नहीं खरीदेंगे तो